हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा विद्वान। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ड रूट कराने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियोस भी देखते हो लेकिन पता नहीं क्यों आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी छोटी सी हेल्प करने में आप मेरी मतलब मेरी चैनल को ग्रो करने में आप मेरी छोटी सी हेल्प तो कर ही सकते हो ना। प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड रूट है हमारी एंथ्रो। एंथ्रो होता है हमारा मेनकाइंड, मेनकाइंड होता है मानव, लॉजी होता है साइंस और स्टडी। नेक्स्ट आपका एस्ट्रो, एस्ट्रो होता है स्टार। नोमो मीन्स होता है अरेंजमेंट, जब हम किसी चीज़ का अरेंजमेंट करते हैं लो या फिर ऑर्डर, तब आपका नोमो, अगर नोमो किसी भी वर्ड में आपको नोमो नज़र आ जाए तो बस समझ जाना कि अरेंजमेंट लो या ऑर्डर की बात हो रही है। नोट होता है सेलर, सेलर जो कि मतलब घूमता रहता है, नाविक आप उसको बोल सकते हो। कॉस्मो होता है यूनिवर्स, ब्रह्मांड। ऑटो होता है सेल्फ, अपने आप। और मेट्रो होता है मीजरमेंट, मीजरमेंट होता है नापना किसी भी चीज़ को। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड वर्ड्स हम देख लेते हैं आगे। फर्स्ट वर्ड है आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? एंथ्रो जैसे कि मैंने आपको बताया था मानव होता है, मेनकाइंड होता है, और लॉजी मीन्स होता है साइंस। तो मानव का जो अध्ययन किया जाता है तो वो क्या हो गया? एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानव विज्ञानी। नेक्स्ट आपका एस्ट्रोनोमर। एस्ट्रो जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार होता है, और नोम मीन्स क्या होता है? नोम मीन्स क्या होता है? जो कि आपका अरेंजमेंट होता है। तो जो स्टार का जो अरेंजमेंट करने वाला होता है वो कौन होता है? खगोल विज्ञानी। ER जिस भी वर्ड में लग जाता है वो वाला वाली हो जाता है, मतलब किसी भी काम को करने वाला। जैसे कि डू मीन्स क्या होता है? करना, और डू में ER लगा दोगे तो डूअर हो जाएगा, करने वाला। गो मीन्स जाना, गोअर जाने वाला। तो जिस भी वर्ड में आपको शू मेंड होता है, मतलब किसी चीज़ को सुधारना, और मेंडर सुधारने वाला। तो जिस भी वर्ड में आपको ER लगा दोगे वो आपका वाला वाले, इट मीन्स वो पर्सन बन जाएगा, वो उस काम को करने वाला हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रो जैसे कि मैं आपको बता चुका, एस्ट्रो क्या होता है? स्टार होता है। लॉजी क्या होती है? साइंस होती है। तो ज्योतिष शास्त्र को क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि हमारे जो स्टार क्या होते हैं? ग्रह होते हैं, और ग्रह का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो क्या हो जाता है? ज्योतिष शास्त्र हो जाता है। एस्ट्रोनोट, एस्ट्रो होता है स्टार, और नोट मींस क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था सेलर। तो जो एस्ट्रो, एस्ट्रो मींस हो गया आपका स्टार, स्टार मींस अंतरिक्ष हो गया। तो अंतरिक्ष यात्री जो आपका होगा वो क्या होगा? एस्ट्रोनोट। और मीट्रोनोम, मीट्रो मींस जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ नापना होता है, ठीक है। और नो मींस क्या होता है? अरेंजमेंट। तो ये आप एक जैसे कि म्यूजिक जब हम पियानो वगैरह बजाते हैं तो उसमें उसके जो जो उसमें एक मेजरमेंट होता है उसको नापते हैं कि जो ताल है वो कहाँ पे जा रही है, कैसे कैसे उसको वो काम कर रही है। तो ताल मापी जो होती है उसको बोलते हैं मीट्रोनोम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपके हैं आपके, नेक्स्ट आपका है कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट क्या होता है? कॉस्मोनॉट होता है अंतरिक्ष यात्री। कॉस्मोनॉट क्या होता है? अंतरिक्ष यात्री। कॉस्मो क्या होता है? यूनिवर्स, है ना। यूनिवर्स इट मीन्स ब्रह्मांड, और नॉट वही सेलर आपका। तो अंतरिक्ष में घूमने वाला कौन हो गया? कॉस्मोनॉट। एस्टर, एस्टर एक स्टार शेप्ड फ्लावर का नेम होता है, एस्टर जिसको आप बोल सकते हो। एस्टर स्टार शेप्ड फ्लावर, स्टार की तरह का एक फ्लावर होता है, ठीक है। एस्ट्रिक, एस्ट्रिक होता है एस्टर जैसे कि स्टार से बना है तारा, और तो एस्ट्रिक का मतलब होता है तारा चिन्ह। डिजास्टर, एस्टर जैसे कि आपको पता है कि स्टार होता है, डिस एक नेगेटिव सेंस देता है। तो अब जैसे कि पहले भी माना जाता था कि हमारे जब बोलते थे ना कि अगर हमारा कुछ गलत हो जाता है तो कोई बोलते थे कि हमारे जो ग्रह नक्षत्र है वो खराब चल रहे हैं, इसी वजह से हमारे ऊपर ये आपदा आ रही है। सेम वही चीज़ है। तो ये जो हमारे जो ग्रह हैं इनकी जो दशा हमारे ऊपर पड़ती है वो जब नेगेटिव सेंस देती है तो उसको आपदा, इसलिए पुराने समय की एक तरह से कहावत भी है और मानते भी हैं कुछ लोग, इस पर बहुत ज़्यादा बिलीव भी करते हैं, ठीक है। तो डिजास्टर जब हमारे जो ग्रह हैं वो नेगेटिव सेंस में चले जाते हैं तो हमारे ऊपर क्या आ जाती है? आपदा आ जाती है। ऑटोनोमी, ऑटो जैसे कि मैंने बताया था सेल्फ होता है, नोमी वही अरेंजमेंट, जो सेल्फ जो सब कुछ अपने आप अरेंज करता है, तो इट मींस वो स्वयं का शासक हो गया। ऑटोनोमी मीन्स स्वयं शासक। तो आज की वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी छोटी सी हेल्प कर दीजिए मेरे चैनल को ग्रो करने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, हैव अ नाइस day.